बजे के लगभग हमें रामचंद्र चक्रवर्ती जी द्वारा ये सूचना दी गई कि वो जब शारदा सहायक नहर पटरी पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो तीन मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनका पीछा किया और उनके कनपट्टी पर तमंचा लगाकर उनके पास में जो नकदी थी 450 रुपये, उनका मोबाइल और उनकी बाइक लूट ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो हमारे क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया और SHO जो बेटा मुजावर है उनको इस घटना को शीघ्र 15 दिवस में ये इनको लिखित में दिया गया कि 15 दिवस में इसका खुलासा करें। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है उसका सहारा लिया गया और CCTV की ट्रेल को देखते हुए कि शारदा सहायक नहर की पटरी कहाँ कहाँ जाती है उसको देखते हुए ये जो लोकल स्थानीय थाना जहाँ के ये रहने वाले वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पर हुई के आधार पर एक व्यक्ति बताया गया कि ये व्यक्ति इस प्रकार का क्रिमिनल है जो 18 साल जेल में रह चुका है, बड़ा ही हार्डकोर क्रिमिनल है, तो उसके लिए ही ये लगे हुए थे, इन्हीं को गिरफ्तार किया गया। जब ये गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे तो इस अपराधी के द्वारा इन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, परंतु इन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाकर उसको पकड़ा है। जो लूट की घटना का मोबाइल था जो 310 रुपये इनकी जमा तलाशी से बरामद हुए और जो एक लूट की घटना की मोटरसाइकिल थी वो सभी की 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है। एक से साथ ही एक थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर की चोरी की बाइक थी वो भी इनसे बरामद की गई है और जो इनके द्वारा फायरिंग में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस से तैयार हुआ वो भी बरामद किए गए। पुलिस के प्रोत्साहन के लिए कोई इनाम वगैरह दिया गया जी? इसमें पूरी जो टीम है इनको 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा हमारे स्तर से की गई है। धन्यवाद।